नमस्कार, एटी न्यूज इंडिया की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं यशमी। बुलेटिन शुरू करने से पहले डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। घर में घुसा तेंदुआ, मचा हड़कंप, वीडियो वायरल। सर्दी का कहर जारी, ठंड के चलते पिता पुत्र की मौत। चोरों ने कचहरी की कंट्रोल रूम के चटकाए ताले। सहकर्मी द्वारा शारीरिक संबंध बनाने का लगाया आरोप। हाथ ताप रही लड़कियों का मजाक करना पड़ा भारी, आग में झुलसी। अब बुलेटिन विस्तार से। अलीगढ़ के कस्बा जवां में घर में तेंदुआ देखे जाने पर ग्रामीणों में शोर मच गया। आसपास के लोग एकत्रित हो गए, सभी हाथों में डंडे लेकर बाहर निकल आए। तेंदुए के आने से इलाके में भगदड़ मच गई। हालांकि ये तेंदुआ कहां से आया कोई नहीं जानता। बता दें कि गांव के ही गणेश और उसका बेटा हाथ ताप रहा था, उसी दौरान तेंदुआ उसे खेत से आता नजर आया। जैसे ही उन दोनों ने भागने की कोशिश की, तेंदुआ उनके पीछे भागा और उसके बेटे विशाल पर हमला कर दिया, जिससे वे घायल हो गया। घायल अवस्था में विशाल ने हार नहीं मानी और उसे लड़ता हुआ अपनी जान बचाकर भाग गया। ये देख ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस दौरान तेंदुआ एक मकान में घुस गया। घर के लोग तेंदुए को आता देख सभी किचन में बंद हो गए। वहीं तेंदुआ घर में घूमते हुए एक कमरे में चला गया, जिसके बाद सभी ने बड़ी मुशक्कत के साथ उस कमरे को बंद कर दिया। ग्रामीणों ने वन विभाग और पुलिस की टीम को सूचना की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया। तेंदुए को पिंजरे में कैद करने के प्रयास किया जा रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? विशाल। कौन सी जगह है? जमा। जमा, क्या हुआ है आज यहाँ पर? तेंदुआ आया है जमा में। अच्छा, आपने देखा? हाँ, मतलब सबसे पहले आपने देखा था। हाँ। आप क्या कर रहे थे वहाँ? हम गई आंकने जा रहे थे, जब हमने देखा मेरी, हमने तो ये कुत्ता समझा था। अच्छा, फिर हम जा रहे थे, डंडा मारा हमने। तो आप अकेले थे, कोई और भी था आपके साथ? हम अकेले थे। अच्छा, फिर डंडा मारा उसने, हम पीछे जब तक भागने वाले थे, उन्होंने हमारी कमर पकड़ के गिरा लिया मैंने। अच्छा, तो आपको काट लिया? हाँ। अच्छा, फिर आप कैसे आए वहाँ से? फिर हम खड़े होकर जब बज गया ना वो छत्ते को फलंग कर जब आए हम। हाँ, क्या नाम है आपका? गणेश। कौन सी जगह है ये? जमा। जमा। अच्छा, तो यहाँ ये सुना है कि यहाँ पर एक चीता आ गया है और उसने एक बच्चे पर अटैक किया है, तो वो बच्चा आपका कौन है? बेटा है। बेटा है, तो आप बताइए क्या मतलब किस तरीके से ये घटना हुई है? ये घटना हम यहाँ पे ताप रहे थे या इस जगह पर घेर में, ये देखा क्या कहते हैं, ये गिराया खेत में, उसने झपट मारी उस पर पीछे से, ये भागा अपनी जान बचा के वहाँ से, इस पर झपट मारी, फिर क्या कहते हैं, हम सब ने हल्ला मचाया यहाँ से भागे, वो झपट मारी इस पर, झपट मार के तुरंत निकल गया वो, ये भली मुँह नहीं मारा इस पर। अच्छा, तो ये फिर वहाँ से अकेले आए हैं? हाँ, फिर सारे भागे जब क्या कहते हैं ये आया निकल कर। अब कहाँ है वो चीता? चीता अब ये गांव की तरफ निकल के उधर है, पल्ली तरफ, हवेली की तरफ, कमरे में घुस गया है। क्या मामला है? कस्बा जवाब में एक प्रदीप गिरी है, उनके घर में एक तेंदुआ जो जंगली तेंदुआ है वो अंदर घुसाया है, तो घर के अंदर से तीनों जो व्यक्ति थे उनको सेफ निकाल लिया गया है उसमें से, और फॉरेस्ट विभाग की टीम आ रही है जो उसको बंद पकड़ के ले जाएगी। कुछ लोग घायल हुए हैं क्या सर? अभी किसी घायल होने की कोई सूचना नहीं है। रेस्क्यू जारी है? हाँ नहीं, उनको तो तीनों जो अंदर थे उनको निकाल लिया गया है। अभी गिरफ्त में आ गया क्या सर तेंदुआ? नहीं, तेंदुआ घर के अंदर है, घर के अंदर बंद है, और फॉरेस्ट की टीम जो आ रही है उसके बाद वो उसको पकड़ के उसको लेके जाएगी। अलीगढ़ अकराबाद के गांव अमतपुर में सर्दी के कहर से पिता और पुत्र की जान चली गई। बता दें कि 40 वर्षीय पिता की ठंड से कुछ दिन पहले ही मौत हुई थी। अब ठंड के चलते बेटे की मौत होने से घर में कोहराम मच गया है। ग्रामीणों ने घटना से अधिकारियों को अवगत कराया। सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने मृतक के परिवार से जानकारी ली तो पता चला कि गरीबी के चलते सर्दी से बचने का कोई साधन न होने के कारण दोनों की मौत हो गई है। पिछले साल भी इस परिवार के दो लोगों की सर्दी के कारण मौत हो गई थी। गांव के लोगों ने परिवार की स्थिति बेहद खराब बताते हुए कहा है कि सरकार की तरफ से भी इनको कोई भी मदद मुहैया नहीं हुई है। प्रधान जी, क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार। अच्छा, ये मौत हुई है बाप बेटों की, क्या कारण रहा है इनकी जो मौत हुई है एक सप्ताह के बीच में? ये सब गरीबी का कारण है। तो क्या मौत है? मकान भी नहीं है इनके पास में और बेरोजगारी की वजह से। ठंड को लेकर बताया जी? हाँ, ठंड को लेकर इनकी मौत किस कारण हुई है? ठंड को लेकर जी।
सरकार की तरफ से अलाव व्यवस्था कैसी है? अलाव व्यवस्था तो गांव में तो है ही नहीं है, गांव में अलाव व्यवस्था कहाँ है? गरीबों को कंबल वितरण वगैरह नहीं, कोई कम देने के लिए प्रशासन दावा कर रहा है, इसमें क्या कहेंगे? कोई कंबल वितरण नहीं हुआ हमारे गांव के अंदर जी, नहीं कोई नहीं हुआ। अच्छा, इस गरीब पर आवास नहीं है, इसके बारे में आपकी कोई पहल की गई थी? हाँ, काफ़ी पहल की गई है, कई बार कागज भी भेजे हैं, कल भी इसकी जांच कराई है मैंने, कल भी कराई है। अब देखो किस कारण इसका आवास नहीं हुआ, अब पता नहीं, अब देखो क्या होता है, ये तो प्रशासन में हुआ है, क्या कर दिए। अतुल उपाध्याय कहाँ के? मोहम्मद। अच्छा, ये गांव में जो मौत हुई है क्या कारण रहा, किस कारण मौत हुई है, किस किस की मौत हुई है? ये प्रशासन के निकम्मेपन के कारण गरीब परिवारों में मौतें हो रही हैं और उनकी स्थिति वत से बदतर होती जा रही है, आवास मिल नहीं रहे हैं। पिछले एक साल पहले इसके दो बच्चों की मौत हुई थी इसी परिवार में, आज एक साल बाद फिर दो लोगों की मौत हो गई और उसके बावजूद भी ये परिवार जहाँ था उससे ज़्यादा और गिर गया। बहनों ने और बताया है कि जो है कि कल परसों को ले गए थे सासनी, पहले से बीमार था तो वहाँ पर भी जो है उनका इलाज चल रहा था अभी, और उसके संबंध में अभी कल ख़त्म हो गया है बच्चा, तो टीबी बताया गया है। वैसे ग्रामीणों का कहना है कि सर्दी के चलते मौत हुई है, तो उसमें क्या स्पष्ट है? देखिए, ठंड का समय चल रहा है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन पोस्टमार्टम किया नहीं है जो और कारण पता लगे उसमें। बता दें, अलीगढ़ के कचहरी में आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं, जिससे प्रशासन के सुरक्षा इंतजामों पर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। याद हो बीते दिनों कचहरी से एक अभियुक्त हथकड़ी खोलकर फरार हो गया था, तो वहीं आज कचहरी के कंट्रोल रूम से अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। इस चोरी की घटना ने पुलिस प्रशासन के सुरक्षा इंतजामों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और छानबीन शुरू कर दी है। एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुनावत ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें सुबह सूचना मिली कि कचहरी के कंट्रोल रूम के ताले टूटे हुए हैं। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है और तहरीर के आधार पर जानकारी में जुट गई है। सर, किस प्रकार से यहां पर क्या चोरी हुई है और ये जो लगातार यहां पर घटनाएं हो रही है, कभी कोई अपराधी भाग रहा, क्या है? आज सूचना मिली, सुबह पुलिस को सूचना मिली है कि कोर्ट में सर्वर रूम के आसपास ताले टूटे हुए हैं। मौके पे पुलिस पहुंची है, फॉरेंसिक यूनिट पहुंची है और इसको दिखवाया जा रहा है। फिलहाल अभी तहरीर प्राप्त होने के बाद इसमें आगे भी कार्रवाई की जाएगी, इसको दिखवाया जा रहा है, कैमरे वगैरह चेक कराया जा रहा है, किस प्रकार की क्या इसमें से चोरी हुआ है, उसके बाद ही इसमें कुछ कहा जा रहा है। चोरी में क्या क्या गया है सर? अभी क्लियर नहीं है, अभी एक बार तहरीर आ जाए उसके बाद हम क्लियर कर पाएंगे कि क्या चोरी हुआ है। प्रथम दृष्टया इसमें से कुछ बैटरी चोरी होने की बात अभी प्रकाश में आई, कितनी हुई है क्या हुई इसके भी जानकारी की जा रही है। तो सर, क्या सीसीटीवी फुटेज के कुछ आधार पर पता चला कौन आया? अभी जानकारी की जा रही है, अभी पूरी तफ्तीश की जा रही है, उसके बाद ही कुछ कर पाएंगे। अलीगढ़ गबाना की टोल प्लाजा की दलित महिला कर्मी का सहकर्मियों द्वारा शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालने का मामला सामने आया है। जहां एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा के लिए योगी सरकार गंभीर नजर आती है, तो दूसरी ओर पुलिस प्रभारी महिला अपराध को हल्के में ले रहे हैं। ऐसा ही एक मामला टोल प्लाजा की दलित इंचार्ज के साथ यौन उत्पीड़न का आया है, जिसकी पीड़ित महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तहरीर भी दी है। वहीं पीड़ित महिला ने पुलिस प्रभारी महोदय द्वारा कार्यवाही न होता देख खुद को मारने की धमकी दी है। ऐसा होने पर उसने जिम्मेदार पुलिस को ठहराया है। क्या नाम मैडम आपका? जिया। मेरा नाम जिया है, मैं यहाँ पे सोमना टोल प्लाजा पे टोल इंचार्ज के रूप में आई थी। यहाँ पे मेरी 16 तारीख की ज्वाइनिंग हुई थी। इन लोगों ने मुझे मेंटली बहुत टॉर्चर किया, फिजिकली टॉर्चर होने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जो टोल के मैनेजर नीलम और सोमवीर सर, जितेंद्र कुमार और पवन राठी, ये चार लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है। मुझे मेंटली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया हुआ है और फिजिकली होने के लिए मुझे प्रेशर बनाया जा रहा है, ठीक है। ऊपर से मुझे किडनैपिंग की भी धमकी देते हैं ये लोग कि हाँ हम कुछ भी करवा सकते हैं या कुछ भी, और ऊपर से मुझे ट्रांसफ़र की भी धमकी देते हैं। मैंने कल SHO ऑफिस में भी इनकी कंप्लेन करी है, तो वहाँ पे भी कोई कंप्लेन इनकी नहीं ली गई, ठीक है। उल्टा वहाँ बैठ के आराम से चाय और पी रहे थे ये। उसके बाद मैंने CEO मैम के भी पास में इनकी कंप्लेन की है, ठीक है। वहाँ से भी उन्होंने अभी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया।
अलीगढ़ के थाना रोरावा क्षेत्र में घर के बाहर आग लगाकर ताप रही लड़कियों का जलने का मामला सामने आया है। बता दें, आपस में तेल डालने पर छीना झपटी के दौरान मजाक करना उस वक्त भारी पड़ गया जब केरोसिन का तेल जलती हुई आग में डाला गया। छीना झपटी के दौरान ज्यादा तेल डालने के कारण आग की तेज हुई लपटों ने हाथ ताप रही लड़कियों को शीघ्र ही अपनी चपेट में ले लिया और पांचों लड़कियां बुरी तरह से झुलस गईं। चीख पुकार की आवाज से आसपास और परिवार के लोगों ने जब देखा तो हैरान हो गए और आनन फानन में झुलसी हुई लड़कियों को तुरंत अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। क्या हादसा हुआ आज यहाँ, किस तरीके का? ये बता रहे हैं कि आग जला ली बच्चों ने, ये क्या है? बच्चियां ताप रही थी यहाँ पे जी, और बच्चियों ने दो ढक्कन तेल डाल दिया, उससे आग नहीं जली जी। आप सही में झींगा झपटी कर रहे हैं जी, तो वो कटिया जो पलट गई और आग लग गई। तो यहाँ ये पांच ही लोग थे या और भी कोई था? इसमें तीन लोग यहाँ मौजूद हैं और दो कहाँ हैं? दो हॉस्पिटल में। और ज्यादा चोट है उनके? उनके ज्यादा चोट है। नाम है तुम्हारा? सानिया। क्या हुआ है तुम्हारे, कैसे चोट आ गई? लड़की हाथ ताप, पहले हमने दो ढक्कन तेल डाला था। अच्छा। जी, तो ये आपस में ही आप लोग कर रहे थे और भी था कोई? आपस में लड़की कर रहे थे, चीना अपनी, तो तेल ज्यादा डल गया। ठीक। देश प्रदेश की छोटी बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।